क्योंकि दोस्तों हमें जब तक पता नहीं होगा कि चैनल फ्रीज है, चैनल में कुछ कमी है, तब तक हम काम करते ही रह जाएंगे और हमारी मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों ये दो तरीके हैं जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि मेरा चैनल डेड है या फिर मेरा चैनल फ्रीज है। दोस्तों अगर आप भी अपने चैनल पे 3 महीने, 6 महीने या फिर सालों से वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, फिर भी आपको वीडियोस पे ना ही अच्छे खासे व्यूज देखने को मिल रहे हैं और ना ही आपके वीडियो के इम्प्रेशन यूट्यूब पे जा रहे हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर आता होगा कि कुछ ना कुछ कमी या तो मेरे चैनल में है, या तो फिर मेरे वीडियोज में है, या फिर मेरे टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग में है, जिससे कि मेरे वीडियोज पे व्यूज नहीं जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे में काफी लोग डीमोटिवेट होके और हिम्मत हार जाते हैं और यूट्यूब को कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इससे YouTube को कोई भी नुकसान नहीं होता, बल्कि इससे आपको ही नुकसान होता है कि आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी हुई होती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप YouTube को इस्तेमाल करके या YouTube पे काम करके आप कहां से अपने लाइफ को कहां ले जा सकते हैं, अपने करियर को किस तरीके से बदल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काफी सारे यूट्यूबर को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि अगर आपके वीडियो पे व्यूज नहीं जा रहे हैं, काफी टाइम से आप काम कर रहे हैं, काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका चैनल फ्रीज हो गया हो या फिर डेड हो गया हो। दोस्तों ऐसे में काफी सारे यूट्यूबर के मन में ये सवाल चलते रहता है कि जिस चैनल पे हम काम कर रहे हैं, क्या इस चैनल पे हम अपनी टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और फिर भी अगर व्यूज नहीं जा रहे हैं तो हो सकता है कि हमारा चैनल फ्रीज हो गया हो। तो ऐसे में क्या होगा कि आप काम करते रह जाएंगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि मेरा चैनल फ्रीज है या नहीं, मुझे इस चैनल पे काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मेहनत तो करनी अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप सही जगह पे मेहनत नहीं करेंगे आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको चेक करना बताऊंगा खुद से कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका चैनल फ्रीज है या नहीं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और कमेंट सेक्शन में YouTube 2023 लिख के अगर कमेंट कर देते हैं, लकी विनर बन जाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर में आपके चैनल का लिंक मेंशन कर दिया जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका चैनल फ्रीज है या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपको ओपन करना है क्रिएटर स्टूडियो। आप सभी क्रिएटर स्टूडियो इस्तेमाल करते होंगे, यहां पे आपको क्रिएटर स्टूडियो को ओपन कर लेना है। जैसे ही यहां पे क्रिएटर स्टूडियो को ओपन करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं, व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर और एस्टिमेटेड रेवेन्यू। इसमें से एक पे किसी पे भी आपको क्लिक करना है। मैंने देख सकते हैं यहां पे वॉच टाइम पे क्लिक कर दिया है। अब आपको करना क्या है, मेन चीज देखना है कि आपका चैनल फ्रीज है या नहीं, और ये चीजें आप यहीं से पता लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें जब तक पता नहीं होगा कि चैनल फ्रीज है, चैनल में कुछ कमी है, तब तक हम काम करते ही रह जाएंगे और हमारी मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे एक रियल टाइम का ऑप्शन मिलता है। अभी दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि 48 आवर्स में कितने व्यूज आ रहे हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे चैनल पे 48 आवर्स में 136,312 यहाँ पे व्यूज आ रहे हैं, मतलब कि 136,312 लोग 48 घंटे में मेरे चैनल पे जो वीडियोस हैं उसे देख रहे हैं। तो इससे क्या है कि इससे मेरा चैनल टोटली एक्टिव है, मतलब कि रेगुलर व्यूज आ रहे हैं और जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग हैं, वो मेरे चैनल पे एक्टिव हैं। दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे भी चैनल देखे होंगे जिस पे सब्सक्राइबर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उस पे व्यूज नहीं जाता है। जैसा कि काफ़ी सारा मैंने चैनल दिखाया कि 3 लाख 4 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर हैं लेकिन उस पर लोग जो है 500 और 1000 भी एक्टिव नहीं हैं, तो वैसे चैनल या तो डेड हो जाते हैं या तो फ्रीज हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा चैनल डेड है कि नहीं है, फ्रीज है कि नहीं है, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें चेक करनी है। पहला चीज़ आपको रियल टाइम देखना है और दूसरा चीज़ यहाँ पे टॉप वीडियोस देखने हैं जो आपका टॉप कंटेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो रियल टाइम व्यूज आ रहे हैं वो हजारों में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मतलब कि अगर आपका रियल टाइम 1000 चल रहा है या फिर 1000 से ज़्यादा चल रहा है तो आपका चैनल डेड नहीं है, क्योंकि उस पर 48 घंटे में 1000 लोग एक्टिव हैं, 1000 लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं। ज़रूरत है तो बस आपको सही कंटेंट डालने की, सही वीडियो डालने की, सही तरीके से वीडियो अपलोड करने की, और ऑटोमेटिक आपका रियल टाइम 1000 अगर चल रहा है तो वहां से बढ़ जाएगा। अगर आपका रियल टाइम 1000 से कम चल रहा है, मान लीजिए कि 400 चल रहा है, 500 चल रहा है, 700 चल रहा है, तो आपका चैनल फ्रीज हो चुका है।
मैं आपको यहाँ पे क्लियर चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको दो चीजें समझने की जरूरत है। अगर आपका चैनल फ्रीज है तो यहाँ पे आपके चैनल में कमी है, और अगर यहाँ पे चैनल आपका फ्रीज नहीं दिख रहा है तो आपके कंटेंट में कमी है, आपके टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग में कमी है, क्योंकि दोनों चीजें यहाँ पे होनी जरूरी है। आपका चैनल भी फ्रीज नहीं होना चाहिए और आपका कंटेंट भी सही होना चाहिए, थंबनेल भी सही होना चाहिए, टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग सब कुछ सही होना चाहिए, तभी आपकी वीडियो के इम्प्रेशन ज़्यादातर जा पाएगी या फिर आपके वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आ पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने ये देख लिया अपने चैनल में कि मेरा रियल टाइम 1000 से कम चल रहा है, मतलब कि 700 चल रहा है, 500 चल रहा है या फिर 600 चल रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि चैनल फ्रीज हो चुका है। और जिसका यहाँ पे रियल टाइम 100 से भी कम चल रहा है, मतलब कि 50 चल रहा है या फिर 5 चल रहा है, 10 चल रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि उसका चैनल पूरी तरीके से डेड हो चुका है। तो दोस्तों ये दो तरीके हैं जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि मेरा चैनल डेड है या फिर मेरा चैनल फ्रीज है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपका रियल टाइम यहाँ पे 1000 जा रहा है फिर भी आपके व्यूज नहीं जा रहे हैं, मतलब कि व्यूज बहुत कम जा रहे हैं, तो आपको क्या करने की जरूरत है? या तो आपके वीडियोज में चेंजेस करने की जरूरत है, जो आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसमें दम नहीं है, या फिर आप थंबनेल को देखिए कि क्लिक थ्रू रेट आपका किस तरीके से चल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आप अपने कुछ वीडियोस दिखाऊं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कंटेंट में गया और यहाँ पे एक किसी वीडियो को ओपन कर देता हूँ, जैसे इस वीडियो को मैंने ओपन कर दिया, दो दिन पहले मैंने डाला है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वीडियो का क्लिक थ्रू रेट 8.5% जा रहा है। क्लिक थ्रू रेट का मतलब कि इम्प्रेशन, जैसे कि सामने अगर YouTube पे किसी की वीडियो गई तो वो क्लिक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8.5% है और यहाँ पे ग्रीन टिक है, मतलब कि इसका थंबनेल जो है अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर जो है सो क्लिक कर रहे हैं। अगर आपका ये 8.5% नहीं दिखा रहा है या फिर ये डाउन दिखा रहा है, डाउन कैसे दिखा रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये वीडियो मैंने अपलोड किया है, ठीक है, इस वीडियो का यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउन दिखा रहा है, तो इसका थंबनेल समझ जाइए कि सही नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12.4% है, मतलब कि थंबनेल तो सही है लेकिन यहाँ पे व्यूज कम आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोग इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं इस वीडियो में, एवरेज व्यू ड्यूरेशन यहाँ पे कम है। तो इन तीन चीजों से आप समझ सकते हैं कि वीडियो में एक्चुअली कमी है कहाँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 13 के यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वन डे में जो यहाँ पे गया है, उसके बाद यहाँ पे 2 डेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे 27 के दिखाया जा रहा है, तो इस तरीके से व्यूज जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको तीनों चीज चेक करना है कि मेरा क्लिक थ्रू रेट सही है कि नहीं, मेरा व्यूज सही है कि नहीं, मेरा एवरेज ड्यूरेशन सही है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरेज ड्यूरेशन ऊपर जा रहा है, तो पहले आपको ये चेक करना है कि मेरा रियल टाइम कितना चल रहा है। अगर आपका 1000 से कम चल रहा है तो आप समझ जाइए कि चैनल डेड है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको नया चैनल बना लेना चाहिए नया ईमेल आईडी से, और उसको सही तरीके से सेटअप करके और अपना फर्स्ट वीडियो आपको सही तरीके से अपलोड करना है। और अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आपका चैनल आपको लग रहा है कि नहीं फ्रीज नहीं है फिर भी यहाँ पे कम व्यूज जा रहे हैं, तो आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देने की जरूरत है। आपको देखना है कि यहाँ पे इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट सही जा रहा है कि नहीं, जो रेगुलर व्यूअर हैं वो सही से देख रहे हैं कि नहीं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन सही जा रहा है कि नहीं, ये चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि ये कन्फ्यूज़न दूर हो सके कि बहुत लोगों को ये तो सुना है कि मेरा चैनल फ्रीज हो गया, व्यूज़ नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि फ्रीज है या फिर नहीं है? तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपका चैनल फ्रीज है या फिर डेड है, या फिर आपको चैनल पे काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही यूट्यूब रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।